जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछिए दिखाओ जाति को। नाम किसी का नहीं लिया था लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। राहुल जी सदन में हजारों साल पूर्व हुए महाभारत की कहानी सुना रहे थे, मगर उनकी अपनी पार्टी के पढ़े लिखे एक विद्वान पूर्व मंत्री और सांसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कौरव था, कौन शकुनी था, कौन धृतराष्ट्र था, कौन दुशासन था, कौन दुर्योधन था, कौन करण था। जरूर पढ़िएगा, सबके किरदार उसी में मिलने वाले हैं। और शायद जिस समय शशि थरूर जी लिख रहे थे उस समय आपका टैलेंट इनको पता नहीं था, नहीं तो 100 पन्ने तो आप पे ही लिख देते साहब। आप चाहते कार्रवाई हो जाए। माननीय सभापति जी कल जब राहुल गांधी जी चक्रव्यूह पर बहुत ज्ञान दे रहे थे तो पीछे दो लोग कुमारी शैलजा जी और दीपेंद्र जी बैठकर मुस्कुरा रहे थे। अब शायद राहुल जी वो पीछे हंस तो रहे थे लेकिन आप एक बार जरूर कर लीजिए, चक्रव्यूह के परिपेक्ष में इन दोनों से बेहतर कौन बता सकता है हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं। जान लीजिए कि कौन शकुनी है और कौन अभिमन्यु है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपको एक और सुझाव है और मैं इतना जरूर कहूंगा, आपने तो कई सारे चक्रव्यूह बनाने का काम किया सर, और जब उस समय किशोर अभिमन्यु पर कौरवों ने युद्ध नीति के विपरीत जाकर प्रहार किया था तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। इतने में पुत्र दुशासन ने पीछे सा था वार किया, निष्प्राण हुए एक गदा से सिर पर था प्रहार किया, मां धरती की गोद में वह आंख मूंद कर सो गया, अंबर का तेजस्वी तारा धूमकेतु सा खो गया, लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता, वीर गति पाकर अमर हुआ हो कभी नहीं मर सकता है। पुत्र सुभद्रा कुरुक्षेत्र में जिसकी अमर कहानी थी, नौ माह में सीखी विद्या जब 16 साल जवानी थी। अब उस अभिमन्यु को जिसने सारे चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया, मैं इतना ही कहूंगा चक्रव्यूह का प्रसंग छेड़कर आपने अच्छा किया। इस देश ने बहुत सारे चक्रव्यूह देखे, कांग्रेस का चक्रव्यूह इसके 7 किरदार मैं बताता हूं सर। पहला कांग्रेस, दूसरा पंडित नेहरू, सर नाम लेने के लिए मना किया, मैं दूसरी तरह से बोलता हूँ। पहला कांग्रेस, दूसरे पहले प्रधानमंत्री एनजी, फिर तीसरा किरदार आईजी पूर्व प्रधानमंत्री, चौथा RG1 उस समय के प्रधानमंत्री, पांचवा SG, छठा RG2 और सातवां आप सब जानते ही हैं, आप समझदार हैं समझ गए होंगे सर। पहले चक्रव्यूह ने देश को विभाजन कराया, पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन करवाया, और दूसरे जो NG उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी, चीनियों को भारत भूमि सौगात में दी सर। तीसरे चक्रव्यूह IG ने, पूर्व प्रधानमंत्री IG ने देश को आपातकाल दी, इमरजेंसी दी और पंजाब में अशांति दी। चौथे जो आरजी वन ने बोफोर्स दिया और सिखों का निस्सहार किया। पांचवें जो ऐसी हैं उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के प्रति नफरत का नैरेटिव बनाया, 12 लाख के करोड़ के घोटालों को संरक्षण प्रदान किया, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भंवर जाल में फंसाया,
और छठे ठहरे आप जिन्होंने पिछले 15 सालों में देश की राजनीति, संसदीय परंपरा और संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया जितने की ये बाकी 6 मिलकर चक्रव्यूह एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए। और रही सातवीं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सभापति जी, सातों चक्रव्यूह ने मिलकर देश को गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद, कट्टरवाद जैसे अनगिनत दुष्चक्रों में फंसा दिया था। देश को हमने आपके दुष्चक्रों से बचाया है, आजाद कराया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास रथ को आगे बढ़ाया। आज दुनिया में भारत को पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आप जिस अभिमन्यु को घेरने की कोशिश पिछले 22 सालों से कर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, आपके योद्धा और आपकी सरकारें निपट गई, लेकिन आप उनको घेर पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसे हैं। आज यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं, भले ही आपके पास करण जैसे धुरंधर हो, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हो, धर्म हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है। भले ही आपके पास नारायणी सेना हो, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ है, स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ है, हमारे साथ श्री रघुनाथ। तो किस बात की चिंता, शरण में दिखाया माननीय सभापति जी, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ तो जनता रूपी रघुनाथ है और आगे भी रहने वाला है। आप देखिए, ये कल से हलवा बांटने की बात कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय झूठ के पैर नहीं होते, ये झूठ अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करते हैं, जैसे मदारी के कंधे। सर इसको देखिए, माननीय सभापति जी, झूठ सब के बजाय आप असत्य कहें, झूठ असलजदी है, उसको हम कार्रवाई का हिस्सा बनाएं, असत्य कहें। माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन रूलिंग, मिस्टर वेणुगोपाल जी, आई हैव गिवन रूलिंग। माननीय सभापति, असत्य के पैर नहीं होते, असत्य के पैर नहीं होते, और ये असत्य अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करता है, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे राहुल जी के कंधे पर बंदर होता है, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है, जिसे वो रोज यहाँ पसंद परोसते हैं ये बजट पर, सदन पर। माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, हलवा किसको मिला, मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला, राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीव घोटाले का हलवा किसने खाया, वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया, अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया, नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया, सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया, पूजी स्कैम हलवा किसने खाया, कॉमनवेल्थ स्कैम का हलवा किसने खाया, कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया, वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया, चारा घोटाले का हलवा किसने खाया, यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप कहीं एड्रेस पूछिए। माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन।
और ओनली फॉर और ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्नी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर कांडी लिसन मी। माननीय अध्यक्ष जी जवाब आपका दे रहा हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, सुनिए। माननीय गौरव जी, आप या माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय राहुल जी एलओपी, उन्होंने भी बात कही सरकार पे या सरकार के मंत्रियों के लिए नाम लिया, तो उसका जवाब अगर वो दे रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो होगा उसको मैं स्पंज करता हूँ। उन्होंने झूठ कहा था, मैंने उसको स्पंज कर दिया। झूठ कहा था उन्होंने, मैंने स्पंज कर दिया। अनुराग ठाकुर जी, सर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब असत्य है, ठीक है, असत्य निराधार, जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँ। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। मैं उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं, मैं उसको दिखवा लूँ। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँ। अनुराग जी, माननीय सभापति जी, कृपया आप लोग बैठ जाए। आप बैठ जाए। गौरव जी, माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आपसे, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया मुझे, बाद में आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, उनके बाद अवसर दूंगा, बैठ जाए, आप बैठ जाए, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच खत्म हो जाए, प्लीज आप बैठ, अब बैठ जाओ। अनुराग जी, किस चीज का इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा। अजय, एक मिनट बैठ जाए, अब बैठ जाए सर। एक मैं क्लैरिटी कर दूं सर, मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए, आप सब लोग बैठ जाए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन, इज इट फेयर? मैं फिर उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ, तो पहले बैठ जाएं, पहले लोग बैठ जाएं, पहले बैठाइए सर, सब लोग बैठ जाएं।
पहले सब लोग बैठ जाए तो मैं आपको अलाउ करूँ, सब बैठ जाए मैं आपको अलाउ करूँ, मैं आपको अलाउ करूँगा, सब बैठ जाए मैं अलाउ करूँगा, आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे, मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाए, हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाए, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपको बोलने दीजिए सर, सर बोलने दीजिए सर, मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद, करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे, श्री अनुराग ठाकुर जी हमने समय दे दिया, अब आप बैठे, ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं, नहीं आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी सर, मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, बिठा के आपको बिठाए बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा, मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूँगा सर, सर मैंने क्या कहा था सर, सर 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 माननीय सभापति जी मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये नहीं सुन रहे हैं, मैंने कहा था जिस माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अपने ही हैज मेंशन, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था, नहीं नहीं आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाए, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा। अनुराग जी सर, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। सर मैं कहना चाहता हूँ माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान लें, अब फिर बोलना चाहते हैं आप, खड़े हो जाइए आप, फिर बोलना चाहते हैं खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो आप लोग, जाइए बिल से बाहर, एलओपी प्लीज एलओपी, आई एम गिविंग, तो बिल से तो जाइए सर, स्पीकर सर अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूँ तो आप राहुल गांधी जी हमने आपको समय दिया, आपके मेंबर से कहिए कि बैठे तब तो बोलेंगे, बैठिए तब तो बोलेंगे, भाई राहुल गांधी जी क्या तब तो बोलेंगे, आप अंदर आइए, आई भी इंडियन सबको ले जाइए प्लीज सर, माइक माइक दीजिए सर, एक मिनट माइक मिल जाएगा आपको, माइक मिल जाएगा, बेल खाली कर दीजिए, इतनी अच्छी वर्षा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है, यू हैव ऑलरेडी स्पोकन, राहुल ने कह दिया
अभी हम अब आप अपने लीडर का सम्मान करें, हम मैं आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें, हाउस के एलओपी हैं, और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसरी मैं प्लीज डोंट बी मिस्टर राहुल गांधी मिस्टर राहुल गांधी स्पीकर सर बोलने का मन क्या स्पीकर सर इस सर माइक नहीं सर माइक यहाँ से नहीं जाती का सर जो भी माइक आ जाएगा स्पीकर सर जो भी इस देश में दलितों की आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे खत्म आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए हम खुशी से लेंगे धन्यवाद गौरव धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी गौरव जी आप तो हमें समझ लीजिए खत्म हो जाएगा सर श्री राहुल गांधी राहुल गांधी जी ये तय कर ली मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं हाँ तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझ पर गाली दी है नहीं कोई गाली मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है मैं लड़ाई लड़ रहा हूं जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए राहुल गांधी जी मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा उसको निकलवाऊंगा ठीक आप नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपेंड करूंगा आप भी कर सुन रहा हूँ बस श्री अनुराग ठाकुर जी माननीय सभापति जी अखिलेश यादव जी श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए श्री अखिलेश महोदय श्री अखिलेश सभापति महोदय मैं केवल इतना आप लोग सभापति महोदय सभापति महोदय स्वागत है क्या तरीका सभापति महोदय मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है माननीय मंत्री रहे हैं बड़े दल के नेता हैं मंत्री रहे हैं बड़ी बात कर रहे थे मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे दुर्योधन तक यहाँ ले आई है वे केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप पूछ के दिखाओ जाति को आप जाति कैसे पूछोगे तुम कैसे पूछोगे जाति नहीं जाति नहीं पूछ सकते आपने कह दिया ना अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते हमारी व्यवस्था सुन ले आप मेरी व्यवस्था सुन ले कोई कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा अनुराग ठाकुर जी मैंने उसको स्पष्ट कर दिया श्री अनुराग ठाकुर माननीय सभापति जी बात आ माननीय माननीय सभापति जी उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं ये तो सदन में है आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर अभी मैंने तो कहा नहीं सर उस समय कहा गया था और इसी तरह से ही
मंडल, कृपया अपना भाषण संक्षेप, मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर, जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब? अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते। और यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया। ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया, अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने आकर दिया है माननीय दल जी। और मैं सदन के लिए पढ़ देता हूं सर, नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण के विरुद्ध में लिखा था, आई रिएक्ट स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट एनीथिंग व्हिच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड सेकंड रेट स्टैंडर्ड्स, आई वांट माय कंट्री टू बी अ फर्स्ट क्लास कंट्री इन द एवरीथिंग, द मोमेंट वी एनकरेज द सेकंड रेट वी आर लॉस्ट आई अनकोट। ये किसने कहा? देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा। आप उससे सहमत हो कि नहीं सहमत हो बताइए, माफी मांगोगे उसके लिए कि नहीं मांगोगे? कृपया चेयर को आप एड्रेस करें, आप चेयर को एड्रेस करें अनुराग जी। सर मैं चेयर को, सर मैं इतना ही कहूंगा और समाप्त करें। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं वो, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारे हिसाब लिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं सर, मेरे एक मिनट सर, सर मैं एक बात क्लियर कर दूं सर, मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सर, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। और सर ये सारी बातें अगर आप देखेंगे, सबका साथ सबका, मैं रिकॉर्ड दिखवा लूंगा, आप दिखाइए सर, सबका साथ सबका विकास हमने किया सर। अगर अल्पसंख्यक के रूप में अगर किसी को राष्ट्रपति बनाया गया तो कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनाया गया। रामनाथ कोविंद जी को ऐसी समाज से आते थे राष्ट्रपति बनाया गया तो मोदी जी की पहली सरकार में बनाया गया। एक महिला ट्राइबल को अपनी क्षमता के आधार पर अगर देश का राष्ट्रपति बनाया गया तो द्रौपदी मुर्मू को हमारी सरकार। अगर ओबीसी प्रधानमंत्री है तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज सबसे ज्यादा मंत्री SC ST ओबीसी है तो हमारी सरकार में सर। सर मैं इतना ही कहूंगा, समाप्त करें सर, मैं दो मिनट में खत्म होगी सर, दो मिनट सर। MSP सर, ये MSP की बात कर रहे थे सर, MSP कौन लाया? MSP सर 61 के युग में, उस समय के पहले प्रधानमंत्री जी ने लाए, लेकिन इन्होंने उसको गारंटी क्यों नहीं दिया भाई? 61 के बाद 66 में आप लाए, आप इतने सालों तक क्या करते रहे, क्यों नहीं आपने प्रावधान उसका किया? सर दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या की, 1200 किसानों ने गए आप मिलने के लिए, कितने SC ST OBC थे, कितने SC ST OBC थे सर, वहां के ओबीसी का पैसा, SC ST का पैसा, उनका बजट 34% कर्नाटक में खत्म करके अलग कर दिया गया। पूछा आपने क्या उनसे कौन किया? और सर यही नहीं, मैं पूछता हूँ सर मैं पूछता हूँ इनमें से सर, अब आप संक्षिप्त समाप्त करें, आप समाप्त सर, एक मैं कहना चाहता हूँ सर आप देखिए, ओबीसी के लिए आज ओबीसी का कोटा खत्म करके अगर मुसलमान को आरक्षण देने की बात कोई करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक आपके कहने पर वो लोग करने की बात करते हैं, आप यहाँ पे ओबीसी की बात करते हो सर। माननीय सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर, एक बात सर, अग्निवीर की बात कही गई और अखिलेश यादव जी ने मेरा नाम लेके कहा। सर मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, बहुत छोटा राज्य, 70 लाख की बात दी है सर। सर देश में कारगिल के समय सबसे ज्यादा शहादत दी तो हिमाचल के वीर सपूतों ने दी। समाप्त करो बात। चार परमवीर चक्र विजेता हुए, दो हमारे यहाँ से हुए, वन रैंक वन पेंशन, ये बात 40 साल तक इन्होंने दी सर, अगर दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर दी। और ये नहीं सर, अग्निवीर योजना में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और हमारी एंटरप्रेन्योर सर। एक बात अंत में, लास्ट बात कह रहा हूँ सर, ये लास्ट है सर, मैं एक बात ये आखिरी बात कह रहा हूँ सर, युवाओं के लिए बजट में बहुत कुछ है, नौकरी से लेके इंटर्नशिप से लेके बाकी सब। मैं निर्मला जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत उसके लिए बधाई देता हूँ।